तो आइए आपको दिखाते हैं पूरे गांव का मंजर। तो किस हालत में लोग रह रहे हैं और निकलने में जो रास्ते हैं गांव के, जो विकास कार्य प्रधान के द्वारा कराए गए थे, वो भी जो है तहस नहस हो चुके हैं। तो यहां पे देखिए कि जो है आने जाने का भी रास्ता नहीं है और किस परिस्थिति में लोग जो है रहने को मजबूर हैं। यहाँ पे देखिए कि जो पूरे घर हैं, चारों तरफ जो है घरों में पानी है और जो लोग अपना सामान किसी तरीके से जो बचा पाए हैं वो निकाल निकाल करके बाहर रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो सामान किसी काम का नहीं बचा हुआ है। ये देखिए कि इनका जो पूरा घर है, आपका घर है? क्या नाम है भैया आपका? अजय यादव। ये आपका घर है? ये जो पानी है घर के अंदर आ गया है, अब कुछ सामान बचा है आप लोगों के लिए कि नहीं? यही जो है, यही सामान बचा है खाने पीने के लिए? कुछ नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं घर में जो कुछ नहीं। कितने लोग रहते थे इसमें? इसमें 10-12 लोग हैं। हाँ, मतलब पूरे पूरे घर के अंदर जो है पानी भरा हुआ है, जो कमरे के अंदर भी चला गया। देखो कमरे के अंदर है, काफी ज्यादा पानी भरा हुआ है। और इधर से देखिए कि पानी अभी जो है बहाव कर रहा है, गांव में पानी पहुंच रहा है, हर घर में आपको पानी इस वक्त मिलेगा, लेकिन जो है प्रशासन की तरफ से जो शासन है, क्या व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं? क्या भैया कुछ खाना पीना बना कि नहीं? कुछ खाना आया है, लंच दिए, लंच पैकेट मिला है। तो इसमें क्या है, सब क्या निकल पाए? सब भीगा हुआ सामान, सब भीगा हुआ, कपड़े सब भेज गए, सब चला गया, जेवरात जितने सब बह गई, जितनी जेवरात थी वो भी बह गई, पैसे थे उतने भी चले, जहाँ रखे वैसे थे, जहाँ से वैसे चले गए। दादी इधर आइए, इधर आइए, ये आप ही का घर है? क्या नाम है आपका? मधु देवी। इधर खड़ी हो, इधर, इधर सामने, इधर। खाना वाना कुछ बना है कि नहीं? कुछ भी नहीं बन पाया। अरे परेशान ना होइए, परेशान ना होइए, काफी जो है परेशान है, बुजुर्ग महिला है और घर में जो है पूरा पानी चला गया है। जो व्यवस्था कुछ निकाल पाई थी सामान की नहीं? खाना साहब आवाज गांव के महाराज बुला लिए हैं, गांव के महाराज जो है बुला लिए हैं, तो हम लोग गिन रखा है। मतलब खाना की व्यवस्था किसी न किसी ने व्यवस्था से मिली है? कुछ भी खाना नहीं मिल पाया क्यों भैया? लंच पैकेट हुआ खाना, कोई सामान घर से निकाल पाए थे कि नहीं? अचानक पानी आ गया? हाँ, मतलब अचानक पानी आ गया, अचानक आया। दो मिनट, ये नाला है, नहीं नाला है, ये डायरेक्ट पानी आया, हम लोग कुछ निकाल ही नहीं पाए। ये नाला है, पुराना नाला, पूरे घर के अंदर जो ये अभी निकाला हूँ, सब निकाल रहा हूँ, अब भी निकाल रहा हूँ थोड़ा, जो बच्चा कुछ है इसमें। आप चलेंगे? थोड़ा पानी ज्यादा है क्या? ये पूरा जो है गांव इस तरीके से पानी में डूबा हुआ है कि अगर आप देखेंगे तो एक बार सोचने को मजबूर होंगे, जिनके घरों में जो व्यवस्थाएं रखी हुई थी, जो सामान रखी थी, वो भी जो है नहीं निकाल पाए हैं। जो व्यवस्था, पैसा, अनाज, जो भी राशन पानी था, वो सब जो है पानी में बह गया है और घरों के अंदर पानी। अब सोचिए कि इतना जो घर बना करके इतनी अच्छी व्यवस्था में लोग रह रहे थे, अचानक ये जो हादसा हुआ है, जो भयानक मंजर आ गया है, लोगों को 1% जो है विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे जो है ये मंजर आएगा या हमें कभी इस तरीके से जो समस्या है वो आएगी हमारे पास। लेकिन यहाँ पे देखिए वो लंच पैकेट, ये किसकी तरफ से भैया व्यवस्था कराई जा रही है? क्यों भैया? नेपाल साहब ने बंटवाया है। अच्छा, महेश भाई किसने दिया? भैया जरा एक लंच पैकेट खोलिए, इनको दीजिए, जरा लंच पैकेट लीजिए। हेलो भैया, एक लंच पैकेट लीजिए। ये 5 रुपए की जो बोतल है, पानी वाली बोतल भी उठाइए, एक हाथ में उठाइए जरा, 5 रुपए की बोतल है, इसमें एक ही बार पानी पिए और खत्म हो गया। इससे बड़ी भी बोतल आती है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो 0 नंबर पे हैं, कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी सिर्फ पूरी की जा रही है। और क्या क्या है इसमें, थोड़ा सा उठाइए, क्या क्या है इसमें? सब्जी पूरी, सिर्फ सब्जी और पूड़ी। ये और सब्जी आप देख सकते हैं, 4 पूड़ी है, ये व्यक्ति 4 पूड़ी में आपका पेट भर जाएगा? 5 रुपए की बोतल में जो है पानी पी करके क्या प्यास बुझ जाएगी? अब सोचिए, ये है इनकी समय जो समस्या है, वो काफी समस्या जो भयानक है। अब घरों में जो लंच पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं, उससे भी शायद लोगों का पेट नहीं भरेगा, लेकिन जो व्यवस्थाएं शासन प्रशासन के द्वारा कराई जा रही हैं, इससे भी उचित व्यवस्था कराने की जरूरत है।